हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप यदि अपनी फेसबुक के पासवर्ड भूल जाते हैं तो हम लोग फेसबुक में लॉगिन कैसे करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग एक ही डिवाइस के अंदर हम अपनी फेसबुक को चलाते हैं और आईडी को काफ़ी दिन तक उसी डिवाइस के अंदर लॉगिन रखते हैं, उसके बाद पासवर्ड है वो हम लोग भूल जाते हैं। और जैसे ही नए डिवाइस के अंदर हम लोग फेसबुक को लॉगिन करते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि पहले पासवर्ड क्या था, तो ऐसे करके हम लोग पासवर्ड है वो भूल जाते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप पासवर्ड को रीसेट कैसे करोगे, और यदि आप ओल्ड पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो, नया पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो, तो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि आप कैसे नए पासवर्ड है वो फेसबुक के अंदर क्रिएट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। और दोस्तों, यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग अपने फेसबुक पे पासवर्ड है वो कैसे चेंज करेंगे। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे 3 लाइंस दिखाई दे रही है, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर आना है। जैसे आप सेटिंग के अंदर आओगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा सिक्योरिटी एंड लॉगिन। उसके अंदर आपको यहाँ पे चेंज पासवर्ड नाम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है और चेंज पासवर्ड पर आप सिंपली चेंज कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अभी आपका जो करेंट पासवर्ड है वो डाल के, और उसके बाद आपको जो न्यू पासवर्ड डालना है तो वही जो न्यू पासवर्ड है वो एक बार फिर से डालना है और सेव कर देना है, तो सिंपली आपका पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो फिर भी आपको पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट नाम का एक ऑप्शन मिलता है, जिससे आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हो जो आपको पासवर्ड पता नहीं हो। फिर आप यहाँ पे वो पासवर्ड लगा के अपने हिसाब से पासवर्ड वो चेंज कर सकते हो, और नए डिवाइस के अंदर आप सिंपली लॉगिन कर सकते हो, और तब आपको पासवर्ड भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप पासवर्ड भूल गए हो और पासवर्ड को आप रीसेट करना चाहते हो तो रीसेट कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसी वीडियो के अंदर है वो बताने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि जब हम लोग पासवर्ड को रीसेट कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली आपको वैसे तो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो लगाना है और लॉगिन करना है, लेकिन जब आपके पास पासवर्ड ही नहीं होंगे, ईमेल आईडी है, तो पासवर्ड लॉगिन कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फॉरगेट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, पासवर्ड फॉरगेट पासवर्ड। तो इस पर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके जो फेसबुक आईडी पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर आपकी जो ईमेल आईडी उससे लिंक की हुई है तो वो यहाँ पे आपको सिंपली डालना है। तो मैं अपने मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर रहा हूँ ताकि मेल आईडी किसी को पता न चले। तो ये मैंने अपने मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल दिए। अब आपको क्या करना है, सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे तो सर्च करते आपके सामने रिपोर्ट है वो आ जाएगी, जैसे ये देखिए ये वाली आ गई। अब मेरे जो 2 मोबाइल नंबर है उनमें से ऑप्शन मांग रहा है कि आप किस पे मैसेज है वो सेंड करना चाहते हो। तो मेरे पास अभी ये मोबाइल नंबर है वो प्रजेंट है, तो मैं इस मोबाइल नंबर पर जो मैसेज है वो रीसेट करना चाहता हूँ, और मैंने सेंड कर दिया। तो अब मेरे पास एक OTP आएगी, कोड आएगा, वो कोड मुझे यहाँ पे डालना है। तो मेरे पास कोड आ चुका है और मैं इस कोड को अब डाल रहा हूँ। तो जैसे मैंने कोड डाला, कोड डालने के बाद में मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे तब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कि अब आपको न्यू पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। तो आप जो भी चाहो यहाँ पे न्यू पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो, पर ध्यान रहे पासवर्ड क्रिएट करो तो थोड़ा सा टफ पासवर्ड है वो क्रिएट करना, जैसे कैपिटल स्मॉल @ डालकर या कुछ नंबरिंग ऐसा। तो मैं डाल रहा हूँ, तो मैंने पासवर्ड है वो डाल दिया, और अब मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। तो अब मुझे पासवर्ड भी पता चल गया क्योंकि न्यू पासवर्ड है वो मैंने जनरेट है वो यहाँ पे कर दिया है। तो ये मेरी फेसबुक आईडी के अंदर पासवर्ड है वो चेंज भी हो गया और मुझे पता भी चल गया। तो उसमें भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आप लॉग आउट करना चाहते हो अदर डिवाइस में, यानी जिस डिवाइस के अंदर आपने पहले फेसबुक लॉगिन की है उससे आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हो या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फिलहाल। तो
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने फेसबुक के पासवर्ड यदि भूल गए हो तो आप रीसेट वो कर सकते हो। बस आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वो उसको लॉगिन करना है, या फिर आपकी जो मेल आईडी है उससे। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से आप अपने फेसबुक के पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हो। और इस तरीके से जो मैंने अभी वीडियो के अंदर आपको बताया वैसे आप पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, नए पासवर्ड है वो क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़। तो जुड़े रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।